हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जैसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अ क्लोजर लुक एट सम मेडिवल सिटीज़। मेडिवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री के दौरान कुछ मेन सिटीज़ बारे डिस्कस करेंगे। हम्पी सिटी सीगा एक मेन। इन द साइट ऑफ सिटी विजय ऑफ विजयनगर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा इन कर्नाटका इज़ नाउ कॉल्ड हम्पी। ये जो शहर हम्पी है ये विजयनगर किंगडम का मेन सिटी सीगा। तुंगभद्रा रिवर के किनारे ते है कर्नाटका दे विच। 1336 तो लैके 1565 तक सानू पता है कि विजयनगर किंगडम जिहड़ा है बहुत ही वड्डी ते पावरफुल किंगडम सी साउथ इंडिया दी। और विजयनगर किंगडम जिहड़ी सीगी कृष्णा देवा राया दे टाइम बहुत ही पावरफुल हुंदी सीगी। विजयनगर किंगडम दे विच अलग अलग टाइम ते फॉरन ट्रैवलर आए, जिवें इटली तो निकोलो कोंटी आया सीगा, परशिया तो आया सी अब्दुल रजाक, इस तरह ही डोमिंगो पेस आया सी पुर्तगाल तो। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शंस इन्हों ट्रैवलरस ने जो अपने बुक्स के लिखा है उत्तों पता लगता कि हम्पी नाम का जो सिटी सी वैल फोर्टिफाइड से, ये चारों पासे दीवारा सगिया और किलाबंदी हुई सी हम्पी की। और इट वॉज आलसो नैचुरली प्रोटेक्टेड बाय रॉकी रिजिज एंड द रिवर तुंगभद्रा। तो दुश्मन के हमलों तो बचा रहा क्योंकि एक साइड तो ये पहाड़ छोटी छोटी पहाड़ियाँ सगिया और दूजे साइड के उपर ये तुंगभद्रा नदी पैंदी सी, जिस कारण दुश्मन जिहड़ा आसानी नाल हमला नहीं सी कर सकता हम्पी सिटी के उपर। बिसाइड्स ब्यूटीफुल पैलेसिस इतने सुंदर सुंदर महल भी सीगे, लेकिन उन्होंने तो इलावा होर भी बड़े सुंदर मंदिर सीगे शहर के विच, जिन्हां दे विच वीठल स्वामी मंदिर, वीरूपक्षा मंदिर आम सीगे। टैंपल्स वर कल्चरल सेंटर्स। टैंपल ऐसी प्लेस सीगी जिथे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ बड़ियां हुंदियां सीगियां। इतने स्कल्पचर मूर्तिकारी का काम, पेंटिंग का काम, डिवोशनल म्यूजिक भजन वगैरह गाए जाते, डांस हुंदा सीगा, लिटरेचर लिखिया तो पढ़िया जाता सीगा। डिवोशनल डांस वॉज परफॉर्म्ड बाय टैंपल डांसरस कॉल्ड देवदासीज इन द ब्यूटीफुल पिलरड हाल ऑफ द वीरूपक्षा टैंपल। वीरूपक्षा टैंपल के हाल के विच देवदासियां जिहड़ियां सीगियां टैंपल के विच डांस कर दियां सीगियां अपने धर्म नाल रिलेटेड। द रिमेन्स ऑफ रोज ऑफ शॉप्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड लीडिंग टू दिस टैंपल सुजैस दैट द टैंपल वॉज पॉसिबली अ सेंटर ऑफ कमर्स एज वैल। सो जो पुराने खंडर मिले ने उत्तों पता लगता है कि बहुत सारिया शॉप्स सीगियां और ये शॉप्स जिहड़ियां सी मंदिर के आस पास हुंदियां सीगियां, जिस तों पता लगता है कि जिहड़ा मंदिर सीगा वो ट्रेड का भी एक सेंटर बन गया सीगा। इहदे आस पास व्यापारक एक्टिविटीज़ बहुत हुंदियां सीगियां। इस्लामिक स्टाइल आर्चिज एंड डोम्स वर यूज इन सम बिल्डिंग्स। कुछ बिल्डिंग्स दे विच असीं देखते हैं इत्थे कि इस्लामिक स्टाइल दी आर्किटेक्चर मिलती है, उस तरह दियां ही डाटा और जिहड़े उपर गुम्मट बने हुए आ, सच एज द एलीफेंट टेबल्स। एलीफेंट टेबल्स दे विच एग्जाम्पल देखने को मिलती है। डोमिंगो पेस मैनशन करता है कि कार्व्ड स्टोन प्लेटफॉर्म बिल्ट बाय किंग कृष्ण देवा राय। डोमिंगो पेस ने अपनी बुक च लिखा है कि कृष्ण देवा राया ने एक जिहड़ा है तराशे हुए पत्थर के नाल एक प्लेटफॉर्म बनाया सीगा। दिस प्लेटफॉर्म इज़ नाउ कॉल्ड द महानवमी दिब्बा। इस प्लेटफॉर्म में हुण महानवमी दिब्बा कहिंदे ने। दिब्बा का मतलब हुंदा है प्लेटफॉर्म। ड्यूरिंग द महानवमी और नवरात्रि फेस्टिवल द किंग पॉसिबली सैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड रिसीव ट्रिब्यूट्स एंड वॉच रेसलिंग मैचिज एंड अदर एंटरटेनमेंट्स। जो महानवमी हुंदी सी जां नवरात्रि हुंदी सी फेस्टिवल, उदों राजा जिहड़ा इस वड्डे प्लेटफॉर्म ते बैठता सीगा और सारिया नूं श्रद्धांजलि दिंदे सीगे, रिस्पैक्ट दिंदे सीगे। उत्थे बैठ के वह रैसलिंग दे मैच देखता सीगा ते होर एंटरटेनमेंट करता सीगा। अब्दुल रजाक ने भी लिखा है ही रोट ऑफ अ ह्यूज टैंक बिल्ट विद द हैल्प ऑफ पुर्तगीज़ मैसन्स। उन्हें लिखा एक बहुत वड्डा टैंक बनाया गया सीगा पुर्तगाल दे मिस्त्रियों द्वारा। चैनल्स वर कंस्ट्रक्टिड टू सप्लाई वाटर फ्रॉम द टैंक टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। उस तों बाद जिहड़ा छोटे छोटे चैनल बनाए गए, पानी के रस्ते बनाए गए, जिन्हां दे राहीं जिहड़ा है टैंक विचों पानी जिहड़ा है शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाया जाता सीगा। हाँ जी, अगे दसता है कि विजयनगर एम्पायर के जिहड़े लोग सीगे बहुत ही अमीर सीगे, खासकर हम्पी शहर के भी, और अलग अलग एरियाज तो आके वसे सीगे। जिहड़ा हम्पी शहर सीगा इत्थे तरह तरह दियां एग्रीकल्चरल चीज़ां मिलदियां सीगियां, व्यापार बहुत ज़्यादा चलता सी फॉरन कंट्रीज़ नाल भी और देश के अंदर भी। इन गुड्स सच एज सिल्क, सिल्क जिहड़ी चाइना तो आउंदी सी। स्पाइसिस फ्रॉम द मालाबार रीजन, मसाले मालाबार एरिया आते थे। प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम बर्मा, कीमती पत्थर जड़े ने रिजवाहरात बर्मा तो आते थे। टैक्सटाइल इंडस्ट्री भी इतने बड़ी फ्लरिश करती सी, कपड़े की इंडस्ट्री।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਟਲ ਵਰਕ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਐਂਪਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਰੇਬੀਆ, ਪਰਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਬਰਮਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਐਂਪਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ 1565 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੇਨਗਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਪੁਰ, ਗੋਲਕੁੰਡਾ ਔਰ ਅਹਿਮਦਾਨਗਰ ਦੇ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਹੰਪੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਔਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੀ ਆਫ ਇਟਸ ਪੀਪਲ ਵਰ ਕਿਲਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੰਪੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।